लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आप सभी के साथ प्रिया शर्मा। प्रदेश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसी को लेकर खरगोन कलेक्टर परिसर के विवेकानंद सभागृह में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर गोपाल चंद्र डार्ड ने निर्देशन में आला अधिकारियों को धारा 144 लागू करने की दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर गोपाल चंद्र डार्ड ने बताया कि समाज में अमन चैन शांति भाव से शासन के निर्देशानुसार प्रदेश भर में रैली जुलूस और धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। वहीं मकर संक्रांति पर पतंगबाजी करने वाले लोगों सहित व्यापारियों को भी प्रशासन ने इस बात से अवगत कराया है कि नायलॉन मांजे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। अगर पतंग खरीदी बिक्री में नायलॉन के मांजे का उपयोग दिखाई दिया तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। रैली निकालना चाहते हैं, कुछ धरना प्रदर्शन वगैरह की बातें थी, हम लोगों ने 144 इम्पोज करके सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन जुलूस रैली वगैरह से प्रतिबंधित कर दिए हैं। अभी इस समय शांति बनाए रखने का समय है, किसी प्रकार की कोई भी अफवाह फैलाना या किसी प्रकार का ऐसी बात कहना जिससे कि किसी धार्मिक धर्म विशेष को चोट पहुंचे या किसी की धार्मिक भावना बढ़ के या खुद की सेल्फ इस पर अटैक हो, इसको रोकने के लिए 144 इम्पोज कर दी है। ये स्टेट में लगभग सभी डीएम्स ने इम्पोज की है, खरगोन भी उसमें से एक है। हम सभी से अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें, किसी प्रकार की जुलूस रैली नहीं, पूर्ण प्रतिबंधित है और सख्ती से व्यवहार किया जाएगा। यदि कोई जुलूस रैली बिना अनुमति निकालता है तो उस पर बल प्रयोग किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।